शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए आयुक्त के निर्देश पर निगम की टीम ने सड़क किनारे लग रही दुकानों और बेतरतीब खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश देने के साथ ही सोमवार से कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। शहर के मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक अव्यवस्था के चलते मुख्य मार्गों पर बेतरतीब खड़े वाहनों और साथ ही फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को हटवाने दुर्ग नगर निगम की टीम ने दुर्ग निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर शनिवार को दुर्ग से पटेल चौक से फरिश्ता कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया और साथ ही दुकानदारों को दुकान के आगे रखे वाहनों को ठीक तरीके से रखने की समझाइश दी। इसी कड़ी में दुर्ग के फरिश्ता चौक स्थित सिटी मॉल में लगे सेल की सीढ़ियां बाहर तक आने से पार्किंग व्यवस्था अव्यवस्थित होने को लेकर निगम के अधिकारियों ने सेल के संचालक को सीढ़ियां हटाने की बात कही और साथ ही कहा कि सड़क को क्लियर रखने व ट्रैफिक अव्यवस्था ना हो उसको लेकर सोमवार से दुर्ग नगर निगम टीम कड़ी कार्रवाई अभियान करना शुरू कर रही है। इस संबंध में निगम के अधिकारी शिव शर्मा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, यातायात व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाने के लिए आयुक्त महोदय के निर्देश पर हमने आज कार्रवाई प्रारंभ की है पटेल चौक और यहाँ फरिश्ता कॉम्प्लेक्स पास हमको देखने ये मिला कि यहाँ हर संसार के द्वारा सीढ़ी बना दी गई है जो रोड के इसमें आता है। उस संबंध में मैंने भवन अधिकारी सुमानी से बात की है और उनको नोटिस देके उसको हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। यह कार्रवाई आपको समझाइश दी गई है, सोमवार से लगातार यह कार्रवाई चलेगी जब तक यातायात व्यवस्था सुदृढ़ न हो जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।